नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के पहले दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे कि सूर्यवंशी फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के लिए कितने करोड़ की कमाई करना होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, दो साल के लंबे इंतजार के बाद सुपरस्टार अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिस फिल्म को देखने के लिए हम 2018 से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फिल्म को रिलीज होते ही पब्लिक की तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और जो जो लोग इस फिल्म को देख कर आए सभी ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। सबका कहना है कि ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली है। बताना चाहूँगा दोस्तों, इस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के अलावा सुपरस्टार अजय देवगन और रणवीर सिंह के कैमियो की भी काफी ज्यादा तारीफें हो रही है और सब ने कहा है कि इस फिल्म में अजय देवगन ने चार चांद लगा दिए। हालांकि दोस्तों बात की जाए कि सूर्यवंशी फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म को कितने स्क्रीन पे रिलीज किया जा रहा है और फिल्म रिलीज होने से पहले कितनी कमाई की थी, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता दें कि सूर्यवंशी फिल्म का जो बजट है वो है 180 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, सूर्यवंशी फिल्म 180 करोड़ के बजट में बनी है और यह अक्षय कुमार के करियर की सबसे महंगी फिल्म है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि सूर्यवंशी फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपने बजट से कहीं ज्यादा कमाई कर चुकी थी। वो कैसे, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म के जो डिजिटल राइट है वो बिके हैं 150 करोड़ रुपए में, जिसे खरीदा है नेटफ्लिक्स ने। अब दोस्तों यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के सिर्फ 4 हफ्ते बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, जिसके चलते नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को 150 करोड़ में खरीदा है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट है यानी कि टीवी पे दिखाने के राइट्स, वो बिके हैं 70 करोड़ में। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के जो म्यूजिक राइट है वो बिके हैं 12 करोड़ में, जिन्हें खरीदा है टी सीरीज ने। तो दोस्तों यहाँ पे सूर्यवंशी फिल्म ने अपने डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट और म्यूजिक राइट बेचकर टोटल रिकवरी कर ली है 232 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का बजट सिर्फ 180 करोड़ रुपए, फिल्म ने रिलीज होने से पहले टोटल रिकवरी कर ली है 232 करोड़ रुपए, यानी कि फिल्म के जो मेकर्स है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फायदा फिल्म को रिलीज करने से पहले ही कमा चुके थे। लेकिन बात करें कि सूर्यवंशी फिल्म को कितने स्क्रीन पर रिलीज किया है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को ओवरसीज मार्केट यानी कि हिंदुस्तान के बाहर टोटल 1300 स्क्रीन पे रिलीज किया है। दोस्तों अगर बात करें कि सूर्यवंशी फिल्म को इंडिया में कितने स्क्रीन में रिलीज किया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि सूर्यवंशी फिल्म हिंदुस्तान में 4500 स्क्रीन में रिलीज हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सूर्यवंशी फिल्म को इंडिया में 4500 स्क्रीन और ओवरसीज मार्केट यानी कि हिंदुस्तान के बाहर 1300 स्क्रीन में रिलीज किया है, यानी कि सूर्यवंशी फिल्म वर्ल्ड वाइड 5800 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। और दोस्तों इस फिल्म को रिलीज होते ही सुबह वाले शोज में पूरी तरह से धमाकेदार ओपनिंग मिली है, खास करके दोस्तों मुंबई में सूर्यवंशी फिल्म के जितने भी मॉर्निंग वाले शोज है वो लगभग 100% फुल है। जी हां दोस्तों, बहुत सारी सिनेमाघर के बाहर सूर्यवंशी फिल्म को हाउसफुल के बोर्ड देखने को मिले। अब दोस्तों ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ जब बॉलीवुड की किसी फिल्म को हाउसफुल के बोर्ड देखने को मिले, जो देखकर काफी ज्यादा खुशी भी हो रही है। लेकिन दोस्तों बात की जाए कि सूर्यवंशी फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई की और फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन क्या है, तो सबसे पहले आपको यह बता दूं दोस्तों कि सूर्यवंशी फिल्म का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो ही था लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ऑल इंडिया से 8 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ली थी। तो दोस्तों यहाँ पे फिल्म की जो मॉर्निंग ऑल ओवर इंडिया यानी कि हिंदुस्तान से टोटल है 70%, जिसे देखकर दोस्तों लग रहा है कि सूर्यवंशी फिल्म का जो पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन है वो लगभग 26 से 27 करोड़ रुपए आ रहा है। वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सूर्यवंशी फिल्म अपने पहले दिन 40 से 45 करोड़ रुपए के बीच कर रही है। तो दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म को 2021 की बॉलीवुड की तरफ से सबसे बड़ी ओपनिंग मिल चुकी है। दोस्तों इससे बड़ी ओपनिंग 2021 में किसी भी फिल्म को
को नहीं मिली। हालांकि दोस्तों फिल्म का जो एक्चुअल कलेक्शन है वो तो इवनिंग और नाइट के शोज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी ये समझ के चलिए कि फिल्म पहले दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में 40 करोड़ की कमाई कर सकती है। तो दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सीधे सीधे ब्लॉकबस्टर होती हुई नजर आ रही है। अब देखना है दोस्तों उसकी सूर्यवंशी फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो कहां तक जाता है। वैसे आपको क्या लगता है सूर्यवंशी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी, 200 करोड़, 250 करोड़ या 300 करोड़ रुपए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और सूर्यवंशी फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।